भारत ते कनेडा दे रिश्ते जिहड़े ने ओह दिन प्रतिदिन खटास भरे हुंदे जा रहे ने। भारत ने कनेडा दे खिलाफ अपना सख्त रुख इख्तियार करदिआं वड्डा फैसला लिया सी और भारत उस वड्डे फैसले तो बाद एक होर कनेडा दे खिलाफ कार्रवाई करन जा रहा। तुहानूं दस दईए कि कैनेडा दा अपने मुल्क दे विच खालिस्तानी गतिविधियां दे उत्ते नरम इख्तियार जिहड़ा ओह भारत नूं नागवार गुजर रहा है और इस करके भारत इस वेले कनेडा के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर रहा। तुहानूं दस दईए कि 41 राजनायकां नूं कैनेडा वापस जाना पिया। भारत ने यह पहला कदम चुकिया सी कनेडा के खिलाफ और हुण एक होर वड्डी कार्रवाई भारत करन जा रहा है और वह वड्डी कार्रवाई की होवेगी उस बाबत तुहानूं दस दईए कि हो सकता है कि भारत ये जिहड़ा मुद्दा है वह फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स नूं सौंपे क्योंकि फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन है जो कि देशों के विच मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवादी फंडिंग हुंदी है उस दे उत्ते नज़र रखता और जिहड़ा मुल्क इस पैरामीटर का उल्लंघन करता यानी कि कसूरवार पाया जाता एक भी सबूत जिहड़ा FATF नूं मिल जाता है तो उस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और इस करके भारत हुण ये मसला FATF दे कोल चुकेगा यानी कि FATF नूं शिकायत करेगा इस मुद्दे बाबत कि कैनेडा दे विच बहुत सारे आतंकी संगठन जिहड़े ने उन्हां नूं पनाह मिलती है और कई आतंकवादी संगठनां दा जिहड़ा पैसा है उहदा आदान प्रदान जिहड़ा उह कैनेडा तो हुंदा इस करके फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स दे कोल भारत ये मुद्दा चुकन वाला है। वैसे गल ए भी है कि FATF दे कोल कैनेडा नू ग्रे लिस्ट दे विच शामिल करवाना यानी FATF कोल कैनेडा नू कसूरवार ठहराना भारत दे लई आसान काम नहीं है पर फिर भी बहुत सारे इदां दे सबूत ने जो भारत दे कोल ने कि कैनेडा दे विच आतंकवादी संगठन ने या उत्थों पैसा आंदा जांदा यानी फंडिंग हुंदी है आतंकवादी तां उह सारे सबूत भारत FATF नू सौंपेगा और उस तों बाद कैनेडा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तुम दस दिए कि कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी संसद चों वड्डा बयान दिता सी भारत के खिलाफ उस तो बाद ये तलखियां शुरू हो गई और ना कोई सबूत दिता और ना हाले तक कोई सबूत पेश कर रहे ने पर भारत उस तो बाद टेक के नहीं बैठा और बार बार कैनेडा के खिलाफ सख्त रुख सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है। पहला राजनायकों नूं वापस कैनेडा भेजा गया 41 राजनायकों नूं और हुण FATF कोल जाण दी एक गल भी सामने आ रही है। दूजे पासे कैनेडा दे ही एक होर नेता ने जिन्हां दा नाम है पियरे पॉलीवर तां दस दईए कि उन्हां दा कहना है कि जेकर मैं प्रधानमंत्री बणांगा तां मैं जो भारत दे नाल इस वेले संबंध चल रहे ने तलखियां भरे उन्हां नूं खत्म कर देंगा। उन्हां दा कहना है कि भारत दे नाल इस वेले इस तरह विगाड़ पाउणा सही नहीं है और अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ नेता खड़ा कंजरवेटिव पार्टी के आगू ने और इस वेले वो जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और इस करके हुण कैनेडा का तख्ता पलट सकता है जिस तरह बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो कंजरवेटिव पार्टी के नाल जुड़े हुए हैं पियरे के नाल जुड़े हुए हैं और पियरे के ये जिहड़े बयान ने बहुत कुछ बयान करते हैं। इस तरह के होर ताज़ा तरीन खबरों जुड़े रहो जस्ट न्यूज़ नाल हुणे सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टा।